तो भैया लोग का हाल चाल बा? सब लोग ठीक बड़ा? तो गुरु देखा, आज हम आप लेके आए हैं एकदम बढ़िया वाली KTM की ड्यूक 250। भैया 250 cc की एक ऐसी बाइक जो बहुत ही बिकती है, मतलब ससुरी महंगी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन बिकती भी बहुत तगड़ी है। अब देखिए, KTM ड्यूक 250 एकदम नयका वाला मॉडल है 2024 का। अब इसमें कंपनी जो है कुछ चेंज वगैरह कर दी है। अब चलिए आज की इस वीडियो में थोड़ा जान लेते हैं कि कितना पावर इसके अंदर है, कितना जेब से जो है पैसा जाने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम कीमत बता दें आप लोगों को। तो देखिए, इसकी जो कीमत है ना, वो है 240,704 रुपये, मतलब कि 2,40,000, अरे यार अंग्रेजी में भी बोलें, चलिए 2,40,704 रुपीज़ इसकी एक शोरूम प्राइस है, ठीक है। और जब ऑन रोड पे जाएंगे ना तो एकदम अखिया गच्चे से खुल जाएगी, कैसे कि 2,80,000 से लेकर 2,85,000 इसकी ऑन रोड प्राइस आ रही है। ससुरी बहुत महंगी लग रही है, मतलब कि अगर आप देखें तो 3 लाख के करीबन पड़ रही है। 250 cc की बाइक है ससुरी, 3 लाख रुपये हमको देना पड़ रहा है। लेकिन बात ये हो ना कि देखिए, कंपनी ना इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ दी है। पैसा तो बहुत चाप के ले रही है, लेकिन उसके साथ साथ ना मतलब इसमें फीचर भी बहुत बढ़िया दे रही है। आइए बताते हैं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले ना हम इंजन बताते हैं। इंजन तो ससुरा पावरफुल है, कैसे 249.07 cc का इंजन है। अब मैक्स पावर मिलेगी 31 PS की, 31 PS की, और टार्क मिलेगा 25 Nm का। तो देखिए, PS में पावर और Nm में टार्क हम आपको जो बता रहे हैं, ये इतना ज़्यादा है ससुरा कि अगर 2 लोग भी बैठे रहेंगे ना, अब पहाड़ वाला जगह रहेगा जैसे लेह लद्दाख चले गए, जहाँ पे ऊंचाई पे चढ़ना होता है, तो ससुरी गुर 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 करके चढ़ जाएगी। मतलब कि पावर बहुत बढ़िया है गुरु, इसमें तो कोनो डाउट नहीं है, एक नंबर का पावर कंपनी दी है। और बताएं, जैसे देखिए, एकदम टायर जो कंपनी लगाई है, आगे वाला टायर 110/70 का है, 110/70 का काफ़ी चौड़ा टायर है। आगे वाला मतलब बढ़िया दिए, ग्रिपिंग व्रिपिंग बढ़िया है, रोड से एकदम बढ़िया चिपक के चलेगी, फिसली उछलेगी नहीं। लेकिन जैसे पिछलका टायर पे आते हैं ना, तो भौकाल तो एकदम टाइट हो जाता है गुरु का, ऐसे कि पिछलका टायर 150/60 का है, 150/60 का, या 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। तो देखिए, पिछलका वाला टायर इतना चौड़ा है ना कि मज़ा ही आ जाए, मतलब कि अगर रोड एकदम घूमी रहती है ना, तो वहाँ जब इसको घुमाएंगे तो गड़िया फिसलेगी नहीं, बहुत बढ़िया ग्रिपिंग आती है इसकी, एक बार चलाइएगा मज़ा आएगा। अब देखिए, जो सस्पेंशन है ना, ये बहुत उच्च दर्जा का सस्पेंशन है, कहे से कि आगे लगाया है WP UPEX USD, यानी कि ऑफ साइड डाउन सस्पेंशन। और पीछे है ना WP मोनोसाक सस्पेंशन, मतलब कि WP UPEX का मोनोसाक सस्पेंशन पीछे लगा हुआ है। अब देखिए, इसमें आगे और पीछे जो सस्पेंशन क्वालिटी है ना, मतलब थोड़ा सा टाइट लगती है हमको, जब हम चलाए थे ना तो खट खट, मतलब कि गड्ढों में जब जाती है ना तो खट से आवाज़ आती है, लेकिन मजबूती इतनी तगड़ी समझ में आती है ना कि ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, मज़ा आता है। मतलब एक बार चलाइएगा, तब बार बार हम बोल रहे हैं ना, चलाइएगा। अब देखिए, जो इसका सीट हाइट है ना, वो 800 से 820 mm है। तो भैया, जो नाटक के लोग हैं ना, वो भैया बहुत ध्यान रखिएगा, अगर 5 फीट से कम की ऊंचाई है तो फिर बाइकिए मत लीजिए, कैसे कि जब पैरों नीचे नहीं पहुंचेगा, कहीं लेके पलट जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भैया मत लीजिएगा, ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस 176 mm है, इंडोर रोड के हिसाब से बहुत बढ़िया है। आप 15 लीटर का ग्रुप फ्यूल टैंक एक बार भरवाएंगे ना, तो लंबा दूरी लेके जाएगा, 15 लीटर बहुत होता है हमारे हिसाब से। और देखिए, 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, माइलेज में मिलेगा लगभग आप लोगों को 25 से 30 का माइलेज तो मिल ही जाएगा हमारे हिसाब से। अब देखिए, कमाल का फीचर बताएं, इसमें क्विक शिफ्टर आता है, मतलब ये है ना कि एक्सीलेटरवा कम नहीं करना पड़ेगा, जैसे चाहेंगे वैसे आप छठे गियर से पहला या दूसरा गियर पर गच से आ जाएंगे। तो उसका लिए ना बार बार ना मतलब एक्सीलेटर कम नहीं करना पड़ेगा, क्लचलेस सिस्टम आता है एकदम। आगे जो इसमें मीटर कंसोल है ना, वो आप तो देखा ही लिए हैं वीडियोया में, LCD डैशबोर्ड है, उसमें सब कुछ सारा सूचना साला मिलता है। हमको तो कभी कभी लगता है कि उसमें पिक्चर ही चला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, अगर पिक्चर चलाएंगे तो दिमाग वह उस पर चले जाएगा और आगे किसी को ले जाकर ठोक देंगे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। और एक बढ़िया चीज़ है कि इसमें टाइप सी वाला भैया चार्जिंग पोर्ट मिलता है, मतलब आजकल सारी मोबाइलियन में टाइप सी आ गया है, तो इसी चीज़ को ध्यान रख के ना कंपनियां AU में टाइप सी दे दी है, तो ये है ना बढ़िया चीज़। तो भैया, ब्रेक भी एक नंबर का है, आगे 320 mm का डिस्क है और पीछे 240 mm का डिस्क है, और दोनों में ABS ससुरी लगी हुई है, डुअल ABS का सपोर्ट मिलता है गुरु। तो देखिए, जब डुअल ABS और डुअल डिस्क है ना, तो कहीं पे अगर दोनों ब्रेक एक साथ लगा के मारेंगे ना, तो गच से गड़िया वहीं पे खड़ी हो जाएगी, वो है ना बढ़िया चीज़। चलिए, आप कीमत ज़्यादा लगी कि नहीं कमेंट में बताइएगा, गाड़ी तो बहुत चौकस है गुरु। कल हम फिर मिलेंगे।